कुछ समय से ही कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी गदाना की जो आप बता रहे हो, एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, फौज का सदस्य होते हुए, भारत देश की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी रहती है, उसको भी अपनी शादी में प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ रही है केवल घोड़ी पर चढ़ने के लिए। पहले समाज को न्याय तो सबकी आंखों के सामने है, क्या न्याय मिल रहा है, कैसा न्याय मिल रहा है, जब घोड़ी पर बैठने के लिए प्रशासन को कहना पड़ रहा है। बचपन में हमने कभी गुलामी फिल्म देखी थी, कहना पड़ रहा है, उस फिल्म में भी यही घटना दिखाई थी, उस फिल्म के भी पैमाने यही थे कि भाई एक दबंग जाति के लोग एक बेचारे छोटी जाति के बच्चे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, ये कहाँ की समानता रह गई है। अच्छा, जिस तरह की घटनाएं निकल कर आई हैं, क्या कहेंगे वकील साहब? एक तरफ एक दलित दूल्हे को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, बिल्कुल, और दूसरी बुलंदशहर की घटना है जहां पर एक अपनी गुड़चढ़ी कराने के लिए प्रशासन की सहायता लेनी पड़ती है, पुलिस पहरे में जो है गुड़चढ़ी होती है। तो ये दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह घटना, कैसे मानते हैं दलितों की स्थिति को? ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, 21वीं सदी में जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बाबा साहब का सबसे पहले सपना यही था कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, समानता हो, उस समानता के आज कोई पैमाने, सब कुछ ध्वस्त हो चुके हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। मैंने महसूस किया है कुछ समय से ही कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी गदाना की जो आप बता रहे हो, एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, फौज का सदस्य होते हुए, भारत देश की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी रहती है, उसको भी अपनी शादी में प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ रही है केवल घोड़ी पर चढ़ने की वजह से, ये किस मानसिकता का परिचय दे रहा है आज का समाज, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दुनिया ये कहती है कि नहीं सब एक हैं, दुनिया छोड़ो हमारा इंडिया भी कहता है कि सब एक हैं, इंडिया छोड़ो हमारा उत्तर प्रदेश भी कहता है कि हम सब एक हैं, और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, ये दलित होने की ही सजा है या कुछ और सजा है, इसका पैमाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कहते हैं योगी जी कि हमने दलितों को उत्थान किया है, तमाम जो दलितों के हक अधिकार के सबसे ज्यादा जो आवाज है और जो न्याय है वो हमारी सरकार के द्वारा मिलता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है तो कहां देखता है दलित समाज आपको खड़ा होता है? दलित समाज को न्याय तो सबकी आंखों के सामने है, क्या न्याय मिल रहा है, कैसा न्याय मिल रहा है, जब घोड़ी पर बैठने के लिए प्रशासन को कहना पड़ रहा है। बचपन में हमने कभी गुलामी फिल्म देखी थी, कहना पड़ रहा है, उस फिल्म में भी यही घटना दिखाई थी, उस फिल्म के भी पैमाने यही थे कि भाई एक दबंग जाति के लोग एक बेचारे छोटी जाति के बच्चे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, ये कहाँ की समानता रह गई है। अब सत्ता क्या कहती है क्या नहीं कहती है ये तो सब जनता अपने आप आंखों से देख रही है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण तो बहुत है, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं ये दूषित मानसिकता है। दूषित मानसिकता, इस पर कैसे, मतलब सामाजिक तौर पर और एक राजनीतिक तौर पर इस पर कैसे जीता जा सकता है, और इस तरह की मतलब चीजें निकल कर ना आए उनसे कैसे मतलब सामान्य बनाया जा सकता है? इसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी का सहयोग मिले। सबसे पहले जितने भी दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको दूर करा जाए, और प्रशासन को कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए, कुछ इस तरीके से मीटिंगें करी जाएँ कि जिससे कि ये जितनी भी गलत भावनाएँ फैली हुई हैं वो ख़त्म हों। पहल कैसे हो, क्या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस पर पहल की जाए, या फिर क्योंकि अगर हम देखें कानूनी तौर पर तो एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट भी बना हुआ है। देखो कानूनी तौर पे एक्ट है, लेकिन कानूनी तौर पे एक्ट लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है
ठीक है, कुछ समय के लिए उनको सजा मिल जाती है जिन्होंने ये गलत भावना से काम किया है, लेकिन उससे एक फ्रैक्शन पैदा हो जाता है। सबसे ज़रूरी है पॉलिटिकल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर मीटिंगें अटेंड करके, सभाएं अटेंड करके, कुछ मौजिज लोग जिसमें दूषित मानसिकता के व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए, प्यार भाव से सबको बिठा के समझाएं। और जैसे कभी कहते हैं, वो कह रहे हमने माहौल देखा नहीं गांव का, शहर में तो हमने देखा है कि शहर में भी काफ़ी लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से माहौल में कुछ ऐसा लगता नहीं कि लोगों में मिलाप अब कम हो गया है। तो आप जिस तरह की जो घटनाएं हैं समाज में, इनको बढ़ावा मिलता है बिल्कुल। और अगर अपर कास्ट और दलितों के बीच के जो एक कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो कई जगह अच्छा देखने को मिलता है बिल्कुल, लेकिन कई जगह पर इस तरह का है। तो क्या समाज में एक सामंजस्य बनाने के लिए अपर कास्ट को भी कुछ काम करना चाहिए? बिल्कुल, अपर कास्ट भी इसी समाज से हैं, लोअर कास्ट भी इसी समाज से हैं, कोई भी आसमान से उतरा हुआ नहीं है, सब समाज का एक हिस्सा है, सब समाज का हिस्सा है, सब यहीं पैदा हुए हैं, सब यहीं पढ़ते लिखते हैं, सब यहीं बड़े होते हैं। हमारे एक सज्जन मास्टर जी थे, लेकिन राजनीति में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तमाम अपर कास्ट नेता, लेकिन जब अगर ग्राउंड पे हकीकत देखते हैं तो वो अपने लोगों के बीच में ये चीज समझा नहीं पाते कि जो चीज संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता वो नहीं करना। यही एक सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है जिसको शायद हमारे पॉलिटिकल लोगों को दूर करना चाहिए, और उसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि ऊपर से ही हो, ये कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, और उसके लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। मतलब ये माना जाए कि अगर वो लोग जो वोट के लिए केवल दलितों का पक्ष रखते हैं, दलितों की बात करते हैं, उनको सामाजिक तौर पर भी अपने लोगों के बीच में जाकर इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल बीच में आना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी खास मौके पर आए या वैसे आए, जब भी उन्हें समय मिले। दलित की परिभाषा तो मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये है कि जो समाज के मुख्य धारा से अलग है, जो समाज से पिछड़ा हुआ है, वही दलित है। उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, शोषित पीड़ित। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि समाज के प्रबुद्ध जन लोगों को आगे आना जरूरी है, वही लोग समझाएंगे, उन्हीं के आधार पर पॉलिटिकल लोग अपने आप ही समझाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल तो अपनी राजनीति खेलनी है, उससे आगे कुछ नहीं करना है। चुनाव के दौर में देखा गया कि जो नेता हैं वो दलितों के घर खाना खाते हैं, दलितों के घर रात बिताते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब आती हैं और जहाँ जहाँ ये घटनाएं आती है वहाँ कोई नेता जाता नहीं है, तो एक एजेंडे के तहत सब काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो उस टाइम तो उनको वोट लेनी थी, प्लेट भी होटल से आ रही थी, खाना भी होटल से आ रहा था, केवल घर दलित का था, चटाई भी बाहर से आ रही थी। मैंने टीवी पर देखा कई लोगों को जो ये कहते सुना कि जी कूलर भी उठाकर ले गए, हमारे गैस का चूल्हा भी उठाकर ले गए जो लेकर आए थे, और खाना तैयार करके खा के चलते बने। उनकी सोच जो इलेक्शन के वक्त होती है, वही सोच इलेक्शन जीतने के बाद भी होनी चाहिए, तब तो समाज में बदलाव आ सकता है, वरना उनकी सोचों फर्क रहेगा तो समाज में अपना आप ही बिखराव रहेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।